पुस्तकों में न छपी है मेरी रवानी, न मेरी बात कही होगी किसी ने जुबानी। सोचा कि आप जाने मैं क्या हूँ, देखो सुनो अब मेरी कहानी। मैं यमुना पुल, यमुना नदी के ऊपर प्रयागराज से नैनी के बीच बंधा हुआ हूँ। 15 अगस्त 2021 को मैं 156 वर्ष का हो जाऊंगा। इस पुल ने आजादी से 82 साल पहले ही 15 अगस्त की तिथि को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया था, क्योंकि इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1865 में हुई थी। 156 वर्ष की आयु में भी मैं रेल की सेवा में तत्पर हूँ, उसी दृढ़ता और मजबूती से जो मेरे जन्म के दिन था। मेरे जन्म की कहानी भी अद्भुत है। वैसे तो यमुना नदी के ऊपर मेरे निर्माण की योजना अंग्रेजों ने सन 1855 में ही बनाई, पर 1857 के स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की वजह से प्रकल्प रोक दिया गया। उसके पश्चात गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने मुझ पर काम रोक दिया। वे सुरक्षा हेतु रेल को किले से या उसके आसपास से ले जाना चाहते, ताकि किले की बंदूकें उनकी रक्षा कर सकें। पर 1859 तक तकनीकी कारणों से ये विचार छोड़ दिया गया और मेरा निर्माण शुरू कर दिया गया। मेरे निर्माण के समय की भी एक रोचक कहानी है। ये जब पुल बन रहा था तो बार बार ये गिर जाता रहा, तब इसके बाद जो है ये इंजीनियर जो है इसे जूता मॉडल बनाया पानी के बहाव के लिए, कि ये फिर बनने के बाद पानी सीधे जाने लगा। इस एक पिलर को बनाने में लगभग 20 महीने लग गए। आज भी ये अद्वितीय पिलर मुझे थामे हुए खड़ा है। मेरे निर्माण के कई वर्ष पश्चात रेल पटरियों के नीचे बैलगाड़ी और अन्य वाहन के लिए रोड भी बनाया गया, जो आज भी वाहनों के यातायात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे निर्माण के समय मुझ पर एक ही पटरी चलती थी, पर यह रेल इंजीनियर्स की दूरदृष्टि ही थी कि जब 50 वर्ष बाद दूसरी पटरी बिछाने का निर्णय लिया गया, ढांचे की मजबूती इतनी थी कि बिना कोई बाधा दूसरी पटरी बिछाई गई। मेरे ऊपर चलती ट्रेनों ने न सिर्फ इलाहाबाद को नैनी से जोड़ा, उत्तरी भारत को भी पूर्व भारत से जोड़ दिया। अंग्रेजों ने रेल पटरियां बिछाई थी भारत को कंट्रोल करने के लिए, भारत को बेड़ियों में बांधने के लिए। ये सब इस ब्रिज पर भी दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर प्रहरियों की व्यवस्था थी, यहाँ पर गेट बनाए गए थे और सब कुछ हमेशा वाच किया जाता था। गौ घाट यानी इलाहाबाद की तरफ और दूसरी छोर नैनी की तरफ एक वक्त में गेट लगे रहते, और जो ट्रेनें गुजरती उनसे टोल वसूल कर ही मुझ पर चलने दिया जाता। भारतीय रेल ने इन गेट्स को उखाड़ फेंक दिया है। ऊपर रेल, नीचे रोड, उसके नीचे यमुना पर बोट, ऐसे एक साथ तीन विभिन्न यातायात प्रणाली मेरे सौजन्य से चलती है। आज भी हर 4-5 मिनट के अंतर पर मेरे ऊपर बिछी हुई दोनों पटरियों पर तेज गति से ट्रेनें चल रही हैं। मुझ पर से गुजरने वाली मालगाड़ियां भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा योगदान देती हैं, और यात्री ले जाने वाली ट्रेनें इस देश की जनता, सभ्यता और संस्कृति को जोड़ती है। ये रेल कर्मियों की तत्परता, मेहनत और निष्ठा ही है कि लगातार 156 वर्ष से मेरी देखरेख और रखरखाव में कोई कमी नहीं आई और मेरी देश सेवा बरकरार है। नैनी ब्रिज एक 900 मीटर लंबा स्टील स्ट्रक्चर है। इस नैनी ब्रिज का रखरखाव अंडर वाटर सर्वे और अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों से किया जाता है। इसमें सेंसर्स लगे हैं जो जल स्तर को मॉनिटर करते हैं और बाढ़ जैसे खतरों से सचेत करते हैं। सन 2004 में नए यमुना रोड पुल का निर्माण हुआ और उस पर यातायात शुरू हो गया। हालांकि आज मुझ पर भारी वाहन नहीं चलते, छोटे वाहन और रेल से प्रयागराज और नैनी को मैंने ही सुचारू रूप से जोड़ा हुआ है। यह पुल भारत का तथा भारतीय रेल की विकास यात्रा का पिछले 155 सालों से मौन साक्षी है। अंत में जयशंकर प्रसाद जी की दो पंक्तियां मुझे याद आती है कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। इसके साथ ही मैं विदा लेता हूं इस वचन के साथ कि देश की सेवा में मैं हमेशा हमेशा के लिए समर्पित हूं। जय हिंद।